जाओ ना, क्या हुआ, गिरोग मरोग थोड़ी। एक नागिन जो एक से एक अंडा देती है और अपने आप चबाए जाती है। देखो, और ये देखिए एक तने का झूले जैसा बना हुआ है, यहाँ झूला झूलते हैं लोग। कन्हैया बैठो इस पे, बैठो। हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। मैं यहाँ पावर हाउस के पास खड़ा हूँ। मेरा भाई कन्हैया और उसका दोस्त आयुष आ रहा है। हम सब जा रहे हैं गांव घूमने, और गांव में दादी से मिलेंगे और कन्हैया अपनी नानी से मिलेगा। घूम के आज शाम को वापस आएंगे थोड़ी देर बाद। अभी कन्हैया यहाँ पर आएगा, हमने फ़ोन कर दिया है, वो और आयुष दोनों आएंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल पर, दिखाते हैं आपको अपना गांव कैसा है। अबे पूरे रास्ते रिकॉर्ड करोगे ना? पूरे रास्ते एडिट कर दोगे ये बातें? नहीं, ये तो हम डालेंगे डालेंगे भाई, ये तो डालना नहीं है, डालिए भी बकने वाले भाई। हम सोचे इधर भाटिया होटल से घूम के आओगे, तो इसीलिए वही हम बता रहे थे कि आगे रास्ता बंद है। म्यूजिक सिस्टम नहीं है यार गाड़ी का, यार कोई यार नहीं है, कुछ बनने के लिए डाला हुआ है ना भाई। अच्छा, क्या बोलते हैं, निकले ये क्या रखे हो झूले में? चिज्जे। अच्छा, ले चलने के लिए। अबे अबे, हाँ पैसा भी बताओ कितना है। अबे कितना है क्या मतलब, तुम बताओ कितना लगेगा अब। पूरा लगाई दोगे? हेलो गाइस, हम लोग पहुंच गए हैं गंगा बैराज पर। अब गंगा पार करने के बाद यहाँ पर उन्नाव लग जाता है, और यहाँ से ज़्यादा 40 किलोमीटर और हम लोग को चलना है, फिर उसके बाद गांव आ जाएगा। 40 किलोमीटर बहुत ज़्यादा, 30 किलोमीटर होगा लगभग। नेविगेशन खोले देखो, 40 किलोमीटर वहाँ से था विजयनगर से। अच्छा, बात पूरा सर्च किया भाई। अच्छा अबे अमरूद ले लेना। हाँ यार, यहाँ पे अमरूद मिलते हैं ना, धीरे करना। यहाँ लगाए रही था किनारे किनारे सब। अरे सुबह सुबह आए होंगे यार। नहीं, आज आज कितना लगा रहा? 40। जो अच्छा भाई, ये अनमोल लाया ताजा। अरे वाह, ये ना ब्लॉगर है ना, ब्लॉगर है भाई। 1 किलो तो पैसा तो देखो, लेंगे तो 1 किलो अगर तुम अपनी तरफ से दे दो। दे दो ये देखो, कलर आ गया। हां, जैसे तुम भाई मीठा नहीं लग रहा तुम्हारा अमरूद भैया। एक बिरवा का नहीं है, हम एक बिरवा का नहीं है भैया। अच्छा, सब बिरवा का है, चार का अलग अलग से हैं। एक बिरवा का हो चुप रहो। देखो देखो देखो, हो गया होगा, हो गया होगा। एक बिरवा और जो भाई को बिरवा दिखा दिखा दिखा, कीड़ा निकला। हाँ साहब,
ये देखो तो अमरूद में कीड़ा है। कीड़ा नहीं, कीड़ा है, देखो प्रूफ देख लो है कीड़ा है। दूसरा दो फिर, ठीक है। थोड़ा हमें गजब की लगती है। याद है पेंटर, हम लोग नहीं जहाँ मछली पालन होता था खेत में, अबे पानी कैसा होता था वहाँ का, कितना साला मटमैला पानी, कमर तक पानी, उसके अंदर पानी के अंदर क्रिकेट खेलते थे। और उसी समय किसके प्रशांत की मम्मी आ गए, अबे इतना बुरा मारे गए थे सब, गिरा। अब भी याद है सीन, अभी भी जमीन में। कुछ बातें भी करो तो अच्छी करो यार, कुछ तो रहे भाई बातें, हाँ बात कर रहे हैं बस बीच बीच में तुम उधर ही उधर मोड़ पे चलते हैं, वहाँ पे है चाय पीने। हाँ चलो देखते हैं, आगे देखते हैं, वहाँ पे पीते हैं हम लोग। पापा हम लोग जब भी आते हैं ना बाइक पे, रुकता है वही रुकता है। चौहान ढाबा एंड रेस्टोरेंट, हेलो गाइस, हम लोग पहुंच गए हैं उन्नाव में। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है और ढाबा भी है, चौहान ढाबा एंड रेस्टोरेंट। यहाँ पर रुके हुए चाय पियेंगे थोड़ी देर और फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे। 10 किलोमीटर सिर्फ बचा हुआ है, 10 किलोमीटर बाद अपना गांव आ जाएगा। तुम्हारा चेहरा ही, ये तो गलत हुआ ना फिर। क्या कर रहा है, UPI इसका पासवर्ड दिखाओ। पब्लिक करो है। हाँ तो चाय हो गई, अब हम लोग चलते हैं आगे। भाई कोई नहीं आती है। कुआं दिख रहा सामने, कुआं से लेफ्ट लेना है। एक कुएं पानी में नहाए अगले छोटे में, कुएं पानी निकाला वो अभी कपड़े पड़े घूमते थे भाई, बंद होगा ना क्या, कचरा उचरा हो गया, कहाँ लगाओगे। हाँ ठहरा है सामने, ये लाल वाला है अंदर, लेफ्ट में लगा लो, यहीं पे खड़ी कर दो, यहाँ खड़ी कर दो। घर में खाना खा रहे तब से जो है। अच्छा क्या कर लो बताए होंगे चाचा को, फोन किए थे यहाँ कि हाँ आ रहे हैं। हाँ बताओ थोड़ा। नमस्ते, खुश रहो। आके आओ आओ फिर जाना। क्यों ठंडे नहीं लग रहे तुम्हें इधर? इधर देखो, इधर ठंडी नहीं लग रही, नहीं लग रही, सुकड़े तो जा रहा है, बोले ठंडी नहीं लग रही है। दर्शक लोग you
अबे इंजेक्शन लगा नहीं होगा इसको, इंजेक्शन रस्सी बांध दिया। सही है। हाँ चलो खेत देख लेते हैं, चक्की पहले देख ले, वो चलो देख ले धरा रहा है कुछ। क्या खेल रही है ये? कड़क्को तीती तीती आठ घर हुआ, इसमें आठ घर बने हुए हैं। चलो हो गया खड़ा होकर भोगने लगा, जब भोगने लगा उसके पीछे चार पांच और आ गए और सब मिल के भोगने लगे। अब भाई भागे फिर वहां से। हाँ मड़ैया जो अपनी है। हाँ और क्या बे, वो जहाँ तक जूता हुआ है वो देख रहे हो सामने, वो किनारे से जहाँ जहाँ बड़ी बड़ी घास उगी है वहाँ से है ये, यहाँ से लेके वो है। ये पार करना है हम लोग को, वो खेत है। उधर से चलोगे? हम सोचे ये पार कर ले सड़क से अंदर चले, इधर से है जगह दिख रहा है तुम्हें? अबे भाई हम तुम्हें बताएं, उधर से जहाँ 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 लकड़ी लगी है ना उस रास्ते चलते हैं हम। बता इधर एक बार पार करना पड़ेगा, इधर दो तीन जगह पार करना पड़ेगा। तो जो एक बार पार करना इधर ये लकड़ी के साथ 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 चल लो, वहाँ से पार करके निकल जाएंगे। सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता ये है। उधर परेशान हो जाओगे, इधर आ। अबे झुक के आ जाओ आराम से, बस अबे यार ऐसा बोल रहा हो तो अपना ही है ना। रुको रुको रुको। हाँ अब ये मचान बना हुआ है, आवाज़ तो आनी लगाया। देख रहा पूरा हिला दिया लास्ट वाला। चलो लो ये पकड़ो, अबे गिर जाएगा फट जाएगा। थोड़ा दो कदम ज्यादा लगेगी। नीचे फेंको जूता। अरे हटो हमको। वेट ज्यादा कर लिया कन्हैया? नहीं वेट नहीं है, ये कपड़ा हमको बना दो, हम बनाएंगे। चलो बाद में आते रहो।
मेरे दादाजी आम का पेड़ ये बाबा ने लगाया था। ये आम का पेड़ जो बड़ा सा दिख रहा है आपको, बाबा ने लगाया था जब छोटे थे तो खाना खाते थे यहाँ पर, जो पानी बचता था वो बाबा बोलते थे जाके पेड़ में डालो। तो वही छोटा सा था, आप देखिए कितना बड़ा हो गया, इसी पेड़ में पानी डालते थे। चने चने ये हमारे लटकू चाचा बोतल उठाते हुए, इनको बहुत तेज टट्टी लगी है, चल रहे हैं दो तीन बार ऊपर चढ़ जा रहे हैं ले। जाओ ना, क्या हुआ, गिरोग मारो थोड़ी। बीच बीच में जो बल्लियां है ना वो कब भाई, अभी अभी बनाया गया, वो नहीं किया गया ना, बांधा नहीं गया इसको, जो है वो ऐसे ही डाल दिया गया केवल, बस गोल गोल। ये देखो इसमें कीली गड़ी हुई है, इसमें नहीं दिक्कत है। अबे पागल हो क्या, इसी बात बता रहा, गिर जाएगा। ये देखिए आप गांजे का पेड़, गांजा नहीं दिख रहा है, तो उगता थोड़ी है इसमें, इसको अभी मालूम नहीं है। एक ही होता है, जब बड़ा होता है ना, जब उसमें फूल होता है तो भांग होता है, जब वो ही फूल बीज बन जाता है। इसमें फूल होएगा नहीं, होगा भी अभी अभी, अभी भांग है। देखिए गांजे के बारे में जानकारी देते हुए हमारे कन्हैया साइंटिस्ट, केला है ये सही, केले के पत्ते फट गए, केले के पत्ते चाहिए भैया, हमको पहचानना नहीं पहचानना, ये थोड़ा सा ये चाहिए केले का पत्ता, मिल जाएगा। उर्गे उर्गे नहीं रखे हैं का, फटे ना हो। धन्यवाद भैया, बस उसको बचा के रखना, बस कपड़े में ना लगे। तो भाई लोग हम लोग केले के पत्ते मिल गए हैं, ले जाना था आयुष को। ये देखिए गजब का पुल बना हुआ है, यहाँ जाने मगर फिर भी जा रहे हैं, नीचे पानी है ऊपर, क्योंकि ये जो लकड़ियाँ हैं अभी बंधी नहीं हैं। ये है हमारे गांव के ऑलराउंडर क्रिकेटर वीरेंद्र कुमार उर्फ मंटू। बस भैया ध्यान रखना वहाँ पे, ठीक है, इनको झूला झूला। हाँ भाई, मतलब बड़े बड़े कोई छोटी छोटी कपड़े वाले थे तो उसके वाले। हेलो गाइस, जब तक गांव में चाचा चिकन लाए हैं वो बन रहा है, तब तक हम लोग यहाँ एक टीका दास मंदिर है गांव में जो फेमस है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं वहाँ, हम लोग घूम लेते हैं। आइए आपको हम दिखाते हैं टीका दास मंदिर, ये रहा। ये देखो अंदर, ये मेन मंदिर ये है हनुमान जी का।
कहाँ चलो और क्या लेकिन ये सही है ले जा रहे हैं। ये देखिए टीकादास मंदिर के पास एक जंगल जैसा है, यहाँ पे लोग आते हैं बैठते हैं, बहुत अच्छा है ये घूमने के लिए यहाँ पे। और ये देखिए एक तने का झूले जैसा बना हुआ है, यहाँ झूला झूलते हैं लोग। कन्हैया बैठो इस पे, बैठो है। कुदरती झूला है एकदम। ये कितना अच्छा लग रहा है। ये जो पेड़ दिख रहा है, बचपन में हम लोग इसकी पिपीरी बनाते थे, एक बांसुरी जो होती है। देखिए यहाँ पे कितने ढेर सारे, इसको बोलते हैं नरकुल, शायद नरकुल बोलते हैं या और भी कुछ बोलते होंगे, मुझे नहीं पता, मगर मेरे ख्याल से तो नरकुल ही बोलते हैं। चलो आए थे तब था कुछ तो नहीं है, जब हम आए थे ये तो हम पहली बार देख रहे हैं इसको। तुम नहीं था वही चीज तो जो नाग बाबा से भी ज्यादा खतरेलू होती है। ये तो काट ले तो इसके कांटे झाड़ फूंक काम नहीं करती। नाग नहीं रखे बाबा, तेरा जहर पानी हो जाए। देखो एक हमारे ये पास निकला नाग, एक नागिन जो एक से एक अंडा देती है, अपने आप चबाए जाती है। देखो ए भाई नागिन, हट तेरा जहर पानी हो जाए, हट तेरा जहर पानी हो जाए। पीछे था ओ भाई, हमें तो दिखाओ, हमें पकड़ाओ, देखे तो पकड़ा है कि निराजा कहाँ है। जय नाग बाबा, मगर जाओ सब बच्चे सब बहनी बिटिया लोग, चलो बंगाली बाबा कुछ देते हैं चावल आटा। ये कौन सा है, ये कौन सा है? ये तो वो है, ये तो चिटकू सांप। चिटकू सांप, इसको हमने पेड़ के अंदर तने में छुपे देखा है। अरे भाग रे आप। जय नाग बाबा। पकड़ में बस
जाओ कुछ दमदार से दिल से मिलो। ये लो जा सब बहनी बिटिया लोग को लो बाबा देते हैं कुछ नाग बाबा के नाम से दमदार। बस खत्म खेल बस बाबू की और क्या है। ये पतंग उड़ा रहा है। बैठा फिर है अब वापस जा रहे हैं घर की ओर। चाचा ने ये अनाज दिया हुआ था दो बोरी, एक कन्हैया के लिए एक मेरे लिए। तो लोग जाएंगे अब देखो इसको घर तक ले जाना है किस तरह ले जाते हैं। बहुत भारी है ये। हेलो गाइस, हम लोग पहुंच गए कानपुर। ब्लॉग भी करते हैं यहीं ख़त्म। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, मेरी वीडियो रेगुलर नहीं आ पाती कुछ प्रॉब्लम के कारण। ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगी तो मैं कोशिश करूँगा हफ्ते में एक ब्लॉग तो ज़रूर बना दूँ। तो चलिए फिर अगली वीडियो का वेट करिएगा, देखिए कब तक आती है।